सीईए सेंट्रल अथॉरिटी इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2010 क्या है? चलिए जानते हैं, सीईए कैप्टिवा इलेक्ट्रिकल सप्लाई रेगुलेशन 2010 के बारे में जानने वाले हैं। सितंबर 2010 में इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956 को रद्द कर दिए गए, उनके स्थान पर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी द्वारा सेफ्टी व इलेक्ट्रिकल सेफ्टी जारी किए गए। इसमें पावर हाउस पर लागू नियम तो हट गए है, परंतु कुछ अमेंडमेंट को छोड़कर मैटर तो रूल का ही दिया गया है। नियम इसलिए समझने में कठिनाई बनी हुई है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं क्वेश्चन, लो मीडियम हाई और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का क्या अर्थ होता है? फ्रेंड्स चलिए जानते हैं, लो वोल्टेज का मतलब होता है 250 वोल्ट से कम के वोल्टेज को हम लो वोल्टेज कहते हैं। नेक्स्ट मीडियम वोल्टेज का मतलब है 250 वोल्टेज से 650 वोल्ट तक के वोल्ट को हम मीडियम वोल्टेज बोलते हैं। नेक्स्ट हाई वोल्टेज का मतलब है 650 से 33,000 वोल्ट तक के करंट को हम हाई वोल्टेज कहते हैं। नेक्स्ट एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का मतलब है 33,000 से ऊपर के वोल्टेज को हम एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कहते हैं। नेक्स्ट चलिए इम्पोर्टेंट, 1000 वोल्ट को हम किलोवाट में केबी में लिखते हैं, जैसे 1100 वी को हम 1.1 केबी में लिखते हैं और 3300 वोल्ट को हम 3.3 केबी में लिखा जाता है, 6600 वोल्ट को हम 6.6 किलोवाट में लिखते हैं, इसी तरह 33,000 वोल्ट को हम 33 किलोवाट में लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइंस में बिजली के बोल्ट की संख्या कोई सीमा निर्धारित है, वह किस रेगुलेशन में दिया गया है? माइन इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन रूल्स में। यह माइंस इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन किसमें दिया हुआ है? तो यह रेगुलेशन 102 के अनुसार भूमि के नीचे या भूमिगत वर्किंग में या ओपन कास्ट क्वारी में 11 किलोवाट तक ले जाई जा सकती है और उपयोग में 6.6 केबी तक निम्न शर्तों पर हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, पूछा जाता है कि भूमि के नीचे अर्थात अंडरग्राउंड भाग में या फिर ओपन कास्ट में 11 किलोवाट तक बिजली ले जाई जा सकती है और उपयोग में कितने लाई जाती है? फ्रेंड्स 6.6 किलोवाट तक निम्न शर्तों पर उपयोग में लाई जाती है। चलिए जानते हैं किन किन में कितना वोल्ट का उपयोग किया जाता है। हैंड हेल्ड उपकरण जैसे कोल ड्रिल में अधिकतम वोल्टेज 150 वोल्टेज उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट लाइटिंग न्यूट्रल पॉइंट अर्थ किया जाएगा भूमिगत भाग में 125 वोल्ट से अधिक वोल्टेज उपयोग नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट ओपन कास्ट क्वारी में 250 वोल्ट से अधिक नहीं। पोर्टेबल हैंड लैंप भूमिगत भाग में 30 वोल्ट से अधिक वोल्ट इस्तेमाल नहीं किया जाता है। रिमोट कंट्रोल व इंटरलॉक सर्किट में भी 30 वोल्ट से अधिक वोल्टेज का उपयोग नहीं किया जाता है। यह माइंस में वोल्टेज की सीमा है, कितना वोल्ट किस उपकरण में उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यह एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइंस में सामान्य ट्रांसमिशन व उपयोग कितने वोल्ट में होता है? इसका आंसर है, बड़ी माइंस में मैन फैन वाइंडिंग इंजन व पिट बॉटम के सम्प में मैन पंप 3.3 केवी में चलाए जाते हैं, बाकी मशीनें 550 वोल्ट पर कार्य करती है व ड्रिल 125 वोल्ट पर। छोटी माइन में मैन फैन बाइंडिंग इंजन सम्प पंप व मशीनें 550 वोल्ट पर चलती है, ड्रिल 125 वोल्ट पर, लॉन्ग बॉल फेस की मशीनें व सीएम कंटिन्यूस माइनर 1.1 केबी पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट बड़ी ओपन कास्ट खान में ड्रैग लाइन शावेल व ड्रिल 6.6 किलोवाट पर या फिर 3.3 किलोवाट पर चलती है, पंप 550 वोल्ट पर या फिर 440 वोल्ट पर भी चल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंक्रीज्ड सेफ्टी उपकरण, चलिए जानते हैं, पिछले कुछ वर्षों से कुछ उपकरण में एक नई सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। ये वे उपकरण हैं जिन्हें सामान्य वर्किंग के दौरान स्पार्क या लपट नहीं निकलती। इसमें कुछ ऐसे अतिरिक्त उपाय किए जाते हैं जिसमें आकस्मिक स्पार्क उत्पन्न हो भी जाए तो तापमान इतना सीमित रहे कि बाहर आग लगने का खतरा ना हो। इन्हें इंक्रीज्ड सेफ्टी उपकरण कहते हैं और इसे ई टाइप भी कहते हैं। फ्रेंड्स ये जो सारे रेगुलेशन है इन्हें आप
एक बार जरूर देखना। जानते हैं सब स्टेशनों व स्विच स्टेशनों में निम्न समान सुविधाजनक जगहों पर चिन्हित करके रखे जाएंगे। फर्स्ट, साफ सुखी बालू से भरी बाल्टियां टांगी जाएगी। नेक्स्ट, उचित प्रकार के अग्निशामक उपकरण जिन्हें वर्ष में कम से कम एक बार इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के अनुसार टेस्ट किया जाएगा और रखा जाएगा CMR 2017 के अनुसार एक महीने में, ठीक है। और ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के अनुसार वर्ष में एक बार। नेक्स्ट, फर्स्ट एड बॉक्स या कपबोर्ड अलमारी जो फर्स्ट एड ट्रेंड व्यक्ति के चार्ज में रहेगा व ऐसा एक व्यक्ति कार के घंटों के दौरान उपलब्ध रहेगा। आग व धुएं से निपटने के लिए कम से कम 2 गैस मास्क। यदि ट्रांसफार्मर 5 MVA से बड़ा है तो कृत्रिम श्वास दिलाने वाला उपकरण अच्छी अवस्था में जिसकी क्षमता 5 MVA से अधिक हो, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन है 30, जिसमें इंस्टॉलेशन के बारे में बताया गया है। चलिए जानते हैं, इंस्टॉलेशन का समय समय पर उपभोक्ता के इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन की आवर्ती जांच व टेस्टिंग अधिकतम 5 वर्ष के अंतराल पर इंस्पेक्टर या बिजली सप्लायर कंपनी करेगी, जैसा केंद्र सरकार निर्देश दे। सप्लायर कंपनी इंस्पेक्शन करेगी तो इंस्पेक्शन रिपोर्ट की एक प्रति इंस्पेक्टर को भेजेगी। सप्लायर को 650 वोल्ट के अधिक वाले इंस्टॉलेशन की जांच व टेस्टिंग इंस्पेक्टर स्वयं अधिकतम 5 वर्ष के अंतराल में करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन है 31-33, उपभोक्ता के इंस्टॉलेशन की टेस्टिंग कनेक्शन के पहले लीकेज संबंधी सावधानियां। चलिए जानते हैं, उपभोक्ता के इंस्टॉलेशन को सप्लाई या अतिरिक्त सप्लाई से जोड़ने से पूर्व या 6 महीने बंद रहने के बाद पुनः शुरू करने के पूर्व बिजली सप्लाई उपभोक्ता के इंस्टॉलेशन व इंस्पेक्शन व टेस्टिंग करेगी। सप्लाई तब तक नहीं जोड़ी जाएगी जब तक कि सब बिजली का रेजिस्टेंस इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार ठीक ना पाए गए हो, ठीक है। नेक्स्ट, सब बिजली उपकरणों का इंस्टॉलेशन IR वैल्यू संबंधित इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार ठीक बा पाए गए हो। नेक्स्ट, प्रत्येक लाइव कंडक्टर व अर्थ के बीच इंसुलेशन कम से कम नीचे लिखे अनुसार या फिर इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार ना पाए जाए। नेक्स्ट, 650 वोल्ट से कम वोल्टेज इंस्टॉलेशन में 500 वोल्ट DC का प्रेशर 1 मिनट तक देने पर 1 MΩ हो जाएगा। नेक्स्ट, 650 वोल्ट से अधिक वोल्टेज इंस्टॉलेशन में 2500 वोल्ट DC का करंट DC का प्रेशर 1 मिनट तक देने पर 500 MΩ हो जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट्स में देखिए, ये IR मान न्यूनतम है। सामान्यतः IR मान इससे कहीं अधिक रखा जाता है। उदाहरण के लिए 33 किलोवाट सब स्टेशन में IR 100 MΩ रखा जाता है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पूरा माइंस इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2010 से ऑल इम्पोर्टेंट रेगुलेशन के बारे में जानने वाले हैं। अब वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ठीक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन है 48, इसमें दिया हुआ है 650 वोल्ट से अधिक के उपकरण का भूमि से कनेक्शन सप्लायर पर उपभोक्ता के प्रति आर्थिक सिस्टम को कम से कम प्रतिवर्ष गर्मी के मौसम में किसी सूखे दिन टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा, ठीक है। अर्थ पिट के रेजिस्टेंस की नाप। चलिए जानते हैं, माइंस के इलेक्ट्रिकल सिस्टम की सुरक्षा सरफेस पर अर्थ पिट से प्रभावी कनेक्शन पर निर्भर करती है। अर्थ पिट का रिकॉर्ड अलग रजिस्टर्स में रखा जाता है। नेक्स्ट, यदि अर्थ पिट में रेजिस्टेंस 1 ओम से अधिक मिले तो अर्थ पिट ट्रीटमेंट रेजिस्टेंस घटाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, टेस्ट अर्धवार्षिक अंतराल पर करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ओवरहेड लाइन रेगुलेशन 50 व 55-57, कंडक्टर और सपोर्ट मजबूती जोड़ फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में। चलिए जानते हैं, ओवरहेड OH ओवरहेड लाइन के कंडक्टर की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 350 kg ले कम नहीं होगी, परंतु 250 वोल्ट से कम व 15 मीटर से कम
स्पैन वाली ओवर हेडलाइन मालिक के परिसर में लाई है, तो कंडक्टर की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 150 केजी से कम नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, कंडक्टर के जोड़ मैकेनाइज्ड व इलेक्ट्रिकल, जोड़ की चरम कंडक्टिविटी विद्युत की चालकता इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार होगी। किसी भी कंडक्टर के एक स्पैन में एक से अधिक जोड़ नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट, फैक्टर ऑफ सेफ्टी और न्यूनतम कितना होगा चलिए जानते हैं। मेटल सपोर्ट में 1.5, यांत्रिक प्रक्रिया से बने कंक्रीट सपोर्ट में 2.0, हस्त निर्मित कंक्रीट सपोर्ट में 2.5, लकड़ी के सपोर्ट में 3.0। नेक्स्ट, स्टिव वायर, यार्ड वायर 2.5 और कंडक्टर में 2.0। यह किसी भी कंडक्टर में न्यूनतम स्पैन होगा, ठीक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन 58 है, सबसे नीचे कंडक्टर की जमीन से ऊंचाई लाइन की किस्म न्यूनतम ऊंचाई में, चलिए जानते हैं ये लाइन की किस्म होगी और न्यूनतम ऊंचाई मीटर में। गली के आर पार और गली की दिशा में और अन्य जगह जहां साथ साथ या फिर आर पार, ठीक है। चलिए जानते हैं वोल्टेज, जहां पर 650 वोल्ट तक गली के आर पार में 5.8 मीटर डिस्टेंस होगा, झुकाव होगा अधिकतम, और गली की दिशा में 5.5 होगा, ठीक है, और आर पार में यहां कुछ नहीं। फिर 650 वोल्ट से अधिक पर 6.1 मीटर होगा और गली की दिशा में 5.8 मीटर होगा। नेक्स्ट, अगर वोल्टेज जहां पर 11,000 किलोवाट तक है तो वहां पर 4.6 मीटर होगा अन्य जगह पर, और 33 किलोवाट तक 5.2 मीटर अगम्य जगह पर होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट्स में देखिए, माइंस में किसी भी जगह डंपर या अन्य ट्रैकलेस वाहन चलते हैं या फिर क्रॉस करते हैं, वहां पर सबसे निचले जमीन से ऊंचाई 12 मीटर से कम नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ओएच ओवरहेड लाइन के नीचे कोयला, बॉयलर, छाई या फिर अन्य माल नहीं गिराना चाहिए, उससे कंडक्टर जमीन से खतरनाक स्थिति में आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है 60-61, इसमें दिया हुआ है मकानों से 650 वोल्ट अधिक की ओवरहेड लाइन की दूरी, चलिए जानते हैं वोल्टेज 36 सीधे ऊपर वर्टिकल दूरी पर और 36 ओरिजेंटल दूरी पर, ठीक है। तो 650 वोल्ट पर 2.5 मीटर रहेगी छत से डिस्टेंस वर्टिकल और 36 में 1.2 मीटर रहेगी। नेक्स्ट, वोल्टेज 650 वोल्ट से अधिक व 33 किलोवाट तक है तो वहां पर छत से डिस्टेंस 3.7 मीटर होगी और ओरिजेंटल में 1.2 मीटर से लेकर यह 11 किलोवाट तक में होगी, ठीक है। और जहां पर 33 किलोवाट है वहां पे क्षैतिज में 2.0 मीटर की डिस्टेंस पर 33 किलोवाट होने पर होगी। नेक्स्ट, 33 किलोवाट से अधिक होने पर छत से सीधे ऊपर वर्टिकल में 3.7 प्लस 0.3 मीटर प्रति अतिरिक्त किलोवाट या उसके भाग पर कितना होगा क्षैतिज में 2.0 प्लस 0.3 मीटर प्रति और अतिरिक्त 33 किलोवाट या उसके भाग पर होगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट्स पे देखते हैं, जब विभिन्न वोल्टेज वाले कंडक्टर एक ही सपोर्ट पर लगे हैं तो सप्लाई करने के लिए कंट्रोल स्विच के चुनाव से गलतफहमी हो सकती है, कार्य करने वालों की दुर्घटना भी हो सकती है। इससे रोकने के लिए किस लाइन का कंट्रोल स्विच है इसका नोटिस टांग देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, एक ही लाइन में काम करना है तो दोनों लाइनों की बिजली काट देना चाहिए, इस सावधानी के नोटिस सुस्पष्ट रूप से लगे हुए होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रीट लाइट की फिटिंग, चलिए जानते हैं स्ट्रीट लाइट की फिटिंग। स्ट्रीट लाइट की फिटिंग ओएच ओवरहेड लाइटिंग ऊपर नहीं लगाई जाएगी। नेक्स्ट, पोल पर नंगे कंडक्टर से कम 1 मीटर नीचे ही लगाए जाएंगे। नेक्स्ट, ताकि बल्ब आदि बदलते समय इनमें संपर्क होने का खतरा ना रहे, सर्कुलर 10/1967। नोट्स में देखिए, जहां लाइन किसी डंपर हॉल रोड को क्रॉस करती है या मनुष्य के आने जाने वाले क्षेत्र से गुजरती है वहां गार्ड वायर लगाने की आवश्यकता होगी, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेशन 95, इसमें दिया हुआ है नोटिस वार्षिक रिटर्न के बारे में, चलिए जानते हैं। जिम्मेदार
व्यक्ति इंस्पेक्टर को निम्न नोटिस व रिटर्न विवरण भेजेंगे। यह प्रतिवर्ष 1 फरवरी से पूर्व प्रयुक्त उपकरणों की किस्म व साइज तथा प्रयोग की प्रस्तुति के साथ 7 दिन के पूर्व नोटिस किसी भी नए उपकरण को काम में लाने से पहले नोटिस में उपकरण व ब्यौरा व इसके प्रयोग की प्रभावित जगह लिखी होगी। ठीक है, नेक्स्ट तत्काल नोटिस में देखते हैं। 650 वोल्ट के कम के इंस्टॉलेशन में या परिवर्तन करना हो तो वृद्धि या फिर परिणाम को प्रयोग में लाने से पूर्व टेली कम्युनिकेशन या फिर सिग्नलिंग यंत्रों पर नियम लागू नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रेगुलेशन है 96 नक्शे। माइन की ऑफिस में एक नक्शा रखा जाएगा जिस पर माइन में लगे सभी स्थायी उपकरणों और उनके कंडक्टर की स्थिति दिखाई गई होगी। इसका स्केल वही होगा जो रेगुलेशन में रखे गए हैं। इस नक्शे में लाइन टेलीकम्युनिकेशन या सिग्नली उपकरण का केवल दिखाना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट नोट्स, इलेक्ट्रिक प्लान में निम्न बातें होंगी, कौन सी बातें होंगी चलिए देखते हैं। केवल रूट विभिन्न वोल्टेज के केवल अलग अलग रंगों में होगा, केबल का साइज भी लिखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्थायी इंस्टॉलेशन जैसे सब स्टेशन, ट्रांसफर, कॉलेज, कन्वेयर पंप। नेक्स्ट वेंटिलेशन सरफेस, रिटर्न इंटेक, सब हवा का मात्रा। विभिन्न वोल्टेज के उपकरण अलग अलग कलर में दिखाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है 100। चलिए जानते हैं इसमें क्या दिया। संरक्षक उपकरण फॉल्ट अर्थ फॉल्ट होने पर सप्लाई स्वतः काटने के लिए। अंडरग्राउंड माइंस में 1100 वोल्ट तक के सिस्टम में फॉल्ट करंट 750 मिली एम्पियर और ओपन कास्ट खान में 1100 वोल्ट से अधिक परंतु 11 किलो वोल्ट तक के सिस्टम में 50 एम्पियर से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट नोट्स में देखते हैं। स्विच गियर और रिले की कार्यशीलता की जांच हर 3 माह में एक बार करके परिणाम को इसके लिए रखे गए रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रेगुलेशन है फ्रेंड्स 102 वोल्टेज की सीमा के बारे में बताया गया है, तो ये ध्यान से देखना। ठीक है, चलिए जानते हैं वोल्टेज की सीमा। माइन की अंडरग्राउंड वर्किंग में या ओपन कास्ट की क्वारी में बिजली का प्रेषण 11000 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर नहीं किया जाएगा। उपयोग 6600 वोल्ट से अधिक नहीं किया जाएगा। ठीक है, प्रयोग के निम्न सीमाओं का पालन किया जाएगा। चलिए जानते हैं हैंडहेल्ड पोर्टेबल उपकरण, हाथ में पकड़कर उपयोग करने वाले उपकरण में वोल्ट कितने से अधिक नहीं होगा, 125 वोल्ट से अधिक नहीं होगा। लाइटिंग भूमिगत भाग में न्यूट्रल मिल्ट पॉइंट अर्थ किया जाएगा। भूमिगत भाग में लाइटिंग 125 वोल्ट से अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट ओपन कास्ट माइंस में या फिर माइंस के सरफेस पर 250 वोल्ट से अधिक वोल्ट का उपयोग नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट अंडरग्राउंड भाग में पोर्टेबल रिमोट कंट्रोल होगा और सर्किट या फिर इंटरलॉकिंग 30 वोल्ट से अधिक नहीं होगा। वोल्टेज उपकरण वाले में 650 वोल्ट से अधिक वोल्टेज की सीमा नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, यह था फ्रेंड्स कंप्लीट EEA सेंट्रल अथॉरिटी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन 2010 से ऑल इम्पोर्टेंट रेगुलेशंस के बारे में कंप्लीट डिटेल्स, जो आपके आने वाले लाइक माइनिंग सरदार ओवरमैन और माइनिंग के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट था फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो फ्रेंड्स इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल में नए हो तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जब भी मैं इसी तरह की कोई न्यू वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स।